हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको कच्चे आम और पके आम मिला के बताऊंगी कि माजा और फ्रूटी कैसे बनाया जाता है। तो मैं बना रही थी तो आप लोग से भी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें से दो आम जो है ना, चार आम ली हूँ लेकिन मैं तीन ही आम का यूज करूँगी। दो आम पका हुआ लूँगी, एक कच्चा आम लूँगी। तो इसमें से दो आम मेरा पका हुआ है, एक कच्चा है। तो देखिए ध्यान से वीडियो पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आज का आप लोग को वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पका हुआ आम है। ये जो धो रही हूँ ना, ये पूरा ग्रीन है, तो ये कच्चा है। दो पका और एक कच्चा आम लेके इसको अच्छी तरीके से पहले धो लेना है। धोने के बाद क्या करना है, इसको अच्छा तरीके से छील लीजिए। छीलना, इसका जो ऊपर का है ना कवर, इसको हटाना है। और हटाने के बाद जो भी इसका है अंदर का पल्स, उसको निकालेंगे। और उसके बाद उसका हम बताते हैं आगे क्या करना है। आप इसको बना के डब्बा में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो बनाई और बोतल में अपना स्टोर करके रखी हूँ। जब मन करे बच्चे लोग अपना निकालेंगे, पियेंगे, जूस के जैसा ही हो गया। अच्छा है, और घर का बना हुआ है ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब बहुत कम मेहनत में है, मार्केट से लाने जाइए तो महंगा पड़ता है ना। इस तरीके से आप दो भी आम का बना के चाहेंगे तो रखना, तो आराम से दो बोतल, आराम से दो तीन आम का बना के फ्रूटी मज़ा आप आराम से घर में रख सकते हैं फ्रिज में। आम का मैं सारा देखिए इसका निकाल ली हूँ, और एक कच्चा आम है उसको भी अच्छी तरीके से छील ली हूँ। और छीलने के बाद क्या करना है, उसी तरीके से छोटा छोटा टुकड़ों में कटिंग इसका भी कर लेना है। और करने के बाद देखिए आगे क्या करते हैं। तो एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी हूँ, और जो मैं पका हुआ आम और कच्चा आम है दोनों को एक साथ मिक्स करके इस कढ़ाई में डाल देना है। और इससे आप एक किसी बर्तन से छोटा कटोरी से नाप के आप इसमें चीनी डालें। ये चीनी है, और वो छोटा वाला जो इलायची दाना होता है ना, मकुंदाना क्या कहते हैं आप लोग पता नहीं, हम लोग इधर इसको मकुंदाना कहते हैं, वो दोनों मिक्स करके मैं डाली हूँ। तो इस तरीके से डाले, और उसे एक छोटे से कटोरा से किसी से जिससे मैं चीनी नाप के रखी हूँ ना, उसी से मैं इसमें दो कटोरा पानी डाली हूँ। और डालने के बाद क्या करना है, इसको 10 मिनट तक बस पकाना है, जब तक कि कच्चा आम जो मैं डाली हूँ अच्छी तरीके से मेरा पक जाना चाहिए। तो इतना देर इसको कम से कम 10 से 15 मिनट इसको बहुत अच्छा तरीके से उबाल आना चाहिए। और उसके बाद फिर इसको मिक्सी में हम ट्रांसफ़र करके इसको पीस लेंगे, पेस्ट बनाना है। तो देखिए हमारा उबाल आ चुका है, तो इसको मैं 15 मिनट कम से कम उबाल की थी। उबाल इतना आना चाहिए कि बहुत अच्छा तरीके से आपका कच्चा और पक्का दोनों आम बहुत अच्छा तरीके से मेल्ट हो जाना चाहिए इतना। और उसके बाद फिर इसको ठंडा करके मिक्सी में डाल के पीसना है। इस तरीके से आप चाहिए तो घर में मैंगो फ्रूटी माजा बना के आप आराम से डब्बों में रख सकते हैं। जब कोई गेस्ट आए तो तुरंत निकाल के आप सर्व भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, घर का बना हुआ चीज़ है, तो और भी हेल्दी है, कुछ मिलावट भी नहीं है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए ये मेरा हो गया है ना, तो अब इसको मैं मिक्सी में डाल के थोड़ा थोड़ा सा पीस ली हूँ। ये हमारा इस तरीके से पेस्ट इसका तैयार है। आप पेस्ट को क्या करना है, किसी छलनी में लेके इसको छान लेना है, जो भी इसका रेशा होगा ना वो सारा निकल जाएगा।
और इसका सिर्फ मुझे एक अच्छा सा घोल चाहिए, पेस्ट एकदम बारीक किया हुआ। तो बस इसका जो रेशा है वो निकालना है, तो रेशा निकालने के लिए छलनी से हमको इस तरीके से छानना पड़ेगा। तो इस तरीके से सारा को छान लेना है, किसी बड़े बर्तन में कीजिएगा, क्योंकि जो अभी इसमें मैं और पानी ऐड करना है तो इसलिए किसी बड़े बर्तन में ही करना है। छोटे बर्तन में कीजिएगा तो गिर जाएगा बाहर, तो बड़े बर्तन में ही कीजिएगा। देखिए सारा मैं छलनी से छान ली हूँ। अब इसमें क्या करना है, ठंडा सा पानी यूज कीजिए, ठंडा पानी का यूज करना है और आइस का। तो ठंडा पानी मैं इसमें डाल के इस तरीके से इसका एक घोल तैयार कर रही हूँ। तो घोल बहुत गाढ़ा है, तो इसमें भी मैं 2 बोतल पानी आराम से डालूँगी, फ्रिज का एकदम ठंडा पानी। इसका टेस्ट जो है ना एकदम आपका माजा वाला आया है, बहुत अच्छा बन के मेरा रेडी हुआ था, एकदम माजा का टेस्ट आ गया था। तो इस तरीके से क्या करना है, ठंडा पानी यूज करना है, और ठंडा पानी यूज करके अगर आप इसको कुछ दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसको घोल जो बना ली हो ना इसको और थोड़ा देर आप उबाल सकते हैं गैस पे चढ़ा के। और अगर 1 से 2 दिन के लिए यूज करना है तो आप बस तुरंत बनाइए, 2 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं, 2 से 3 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब ग्लास में मैं सर्व कर रही हूँ, कुछ आइस डाल लीजिए। सारे में डाल ली हूँ, अब जो भी मैं बनाई हूँ ड्रिंक इसमें सर्व करती हूँ। बहुत अच्छा हेल्दी घर का बना हुआ है, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। देखिए हमारा बन चुका है घर में बना हुआ, मैंगो फ्रूटी बोलिए इसको, माजा कहिए, जो भी कह सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया ना फ्रेंड, अब बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका आया था। तो इस तरीके से मैं बनाई हूँ, आप लोग से शेयर की हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर न्यू भी है कोई फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए बनके तैयार है हमारा, एकदम ना गाढ़ा ना है पतला है, जैसे मार्केट में मिलता है ना सेम वैसा ही बना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।